आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया हुआ है, तो इसे देखते हैं। ओके तो इसमें है, व्हेन ईदर हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, द अग्रीव्ड पार्टी मे अप्लाई बाई पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आसान भाषा में इसको समझे तो जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी कारण के दूसरे पार्टनर की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाती है, विड्रॉ कर जाती है मतलब उसे छोड़ देती है। अच्छा मतलब जिसके स्पाउस ने उसको छोड़ दिया है, तो जिसे छोड़ा गया है वो अप्लाई कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पिटीशन फाइल कर सकता है। किस चीज के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि मेरे जो राइट्स हैं शादी के बाद, जो मेरे राइट्स बनते हैं साथ रहना, सब कुछ साथ करना, तो उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, उसके लिए वो कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। ओके द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन, अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं पिटीशन में वो सही है, कोर्ट उससे सेटिस्फाइड हो जाती है, एंड दैट देयर आर नो लीगल ग्राउंड्स व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, और ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है जिस पे ये कोर्ट को ऐसा लगे कि नहीं, इस एप्लीकेशन को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इस एप्लीकेशन को हमें इंटरटेन नहीं करना चाहिए। अगर सब कुछ सही है, कोर्ट सेटिस्फाइड है, द कोर्ट मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो कोर्ट एक डिक्री पास करेगी जो ऑपोजिट पार्टी है जिसने सोसाइटी से विड्रॉ किया है उसको, कि आप अपने स्पाउस के साथ आके रहो, और जो एक मैरिटल लाइफ की जो ब्यूटी होती है, मैरिटल लाइफ में जो राइट्स होते हैं, आप उस चीज को फिर से रिस्टोर करो। ओके has been a reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. For example, पति पत्नी है, उसमें पत्नी अपने पति के घर को छोड़ के अपने घर पे चली जाती है, अपने फादर के घर पे चली जाती है बिना किसी एक्सक्यूज के, तो ऐसे केस में पति फाइल कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोर्ट को अगर लगता है कि वाइफ के पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था, तो वो वाइफ को बोलेगी कि आप फिर से जो आपके मैरिटल लाइफ है उसको आप रिस्टोर करो, आप उसको फिर से पहले की तरह करो। ओके एंड अगर ये सवाल उठता है कि क्या रीजनेबल एक्सक्यूज था या नहीं, तो ये बर्डन उस पे होगा जो ये कह रहा है, जिसने सोसाइटी से विड्रॉ किया, उसको ये प्रूफ करना होगा कि Yes, I had reasonable excuses to withdraw from the society of my partner. Okay? इसमें है, in the case of Reema Bajaj versus Sachin Bajaj, 2012 का case है, the court observed that any application of the restitution of conjugal rights cannot be converted for divorce application under section 13 of Hindu Marriage Act by way of amendment because of the release as claimed under the original suit. इस केस में, रीवा बजाज वर्सेस सचिन बजाज के केस में, कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर कोई एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए आती है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो डाइवोर्स एप्लीकेशन में, जो सेक्शन 13 में दी हुई है, आप अमेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो रिलीफ ओरिजिनल सूट में क्लेम की गई थी, जो ओरिजिनल सूट था उसमें कौन सी रिलीफ क्लेम की गई थी, वो क्लेम थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेके, तो आप उसको डाइवोर्स के पिटीशन में, डाइवोर्स के राइट्स एप्लीकेशन में, उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज अ प्री रिक्विजिट, ओके इसमें है, द रेमेडी अंडर दिस सेक्शन प्री सपोजेज द सबसिस्टेंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, अगर इस सेक्शन के अंदर रेमेडी मांगी जाती है कोर्ट से, तो कोर्ट ऐसा प्री सपोज करती है, पहले से ऐसा मानती है कि जो मैरिज था दो पार्टीज के बीच में वो वैलिड मैरिज था। ओके दस
वेयर द पार्टीज आर नॉट लीगली मैरिड, जहां पे पार्टीज लीगली मैरिड नहीं थी, या फिर द मैरिज वॉज नॉट सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ पिटिशन, या फिर जब पिटिशन फाइल की गई उस वक्त मैरिज सब्सिस्ट नहीं कर रहा था. द क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स डज नॉट अराइज. तो वैसे केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये राइट तभी आता है, ये राइट एक पार्टनर के पास तभी होता है जब वो वैलिडली मैरिज में हो. अगर वो उसकी शादी वैलिड नहीं है, वो लोग साथ नहीं रह रहे, उनका पहले से डाइवोर्स हो चुका है, या किसी कारण से अब वो जो मैरिज था उनका वो नहीं है, तो ऐसे केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का एप्लीकेशन पिटीशन हम नहीं डाल सकते. ओके इसमें दो और केसेस है, तीन केसेस है इनफैक्ट, ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन केसेस को हम एक एक करके देखते हैं. पहला केस है श्रीमती रजरा विनोद कुमार केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल. द कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन इन फेवर ऑफ द वाइफ एज द लेडी हु मूव्ड टू द कोर्ट फॉर रिलीफ वॉज नॉट अ लीगली वेडेड वाइफ इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द हस्बैंड वॉज ऑलरेडी मैरिड टू अनदर वुमेन प्रायर टू दिस मैरिज. इस केस में वाइफ को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की एप्लीकेशन में रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि कोर्ट ये देखती है कि जो वाइफ थी जिसने एप्लीकेशन डाला वो लीगली वेडेड वाइफ नहीं थी. तो ऐसे केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो राइट क्लेम किया है उसकी वाइफ ने वो कहीं से वैलिड नहीं है. ओके दूसरा केस है इन मलकियत सिंह वर्सेस सिंदर पाल कौर. इस केस में इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सोल एसेंस ऑफ अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज दैट द हस्बैंड डिजायरिंग द कंपनी ऑफ हिज वाइफ मेक्स एन एफर्ट थ्रू कोर्ट फॉर इट्स असिस्टेंस इन ऑर्डर टू रिस्टोर हिज वाइफ बैक टू हिम सो दैट दे मे बी एबल टू लीड अ कॉन्जुगल लाइफ. इस केस में कोर्ट ये देखती है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो एसेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हस्बैंड का डिजायर ताकि वो अपनी वाइफ के साथ फिर से रह सके, और इस पर्टिकुलर चीज के लिए वो कोर्ट के पास आती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, कोर्ट को ये बोलती है कि जो मेरे राइट्स है आप उसको फिर से रिस्टोर करो, और आप मेरी वाइफ को ऐसा एक ऑर्डर पास करो जिससे मेरी वाइफ आए और हम साथ में फिर से कॉन्जुगल लाइफ को एंजॉय कर सके. ओके अब हम देखते हैं विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी का क्या मतलब होता है. द एक्सप्रेशन विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी मीन्स विड्रॉइंग फ्रॉम द कंपनी ऑफ द अदर स्पाउस एंड फ्रॉम कॉन्जुगल रिलेशनशिप. विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी का मतलब होता है जो दूसरा स्पाउस है उसकी कंपनी को छोड़ना एंड उसके साथ जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप थी उसको छोड़ना. एग्रीमेंट ऑफ सेपरेशन, अगर किसी तरह का एग्रीमेंट है सेपरेशन को लेकर तो ऐसे केसेस में क्या होगा. एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर मैरिज फॉर लिविंग सेपरेटली इज नॉट नेसेसरली इलीगल और वॉइड एज बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. ओके अरे कहना क्या चाहते हो, इलीगल नहीं है ये, कहीं से भी वॉइड नहीं है. अगर हस्बैंड वाइफ ये एग्रीमेंट करते हैं कि अब शादी के बाद एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, बट एन एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली मेड प्रायर टू मैरिज इवन इफ कन्फर्म्ड आफ्टर मैरिज बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड एंड कैन नॉट बी अ डिफेंस टू क्लेम द रेस्टिट्यूशन. अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट है तो आप ऐसी एग्रीमेंट पे आप ये नहीं कह सकते हैं, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की वजह से कि आपका जो राइट है, रेस्टिट्यूशन का राइट है, कॉन्जुगल राइट जो आपका है, आप उसको यूज नहीं कर सकते एज अ डिफेंस. ओके सिमिलरली एन एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर सेपरेशन इवन इफ मेड आफ्टर मैरिज बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड. अगर आप मैरिज के बाद भी इस तरह का एग्रीमेंट कोई बनाते हैं जिसमें आपने ये डिसाइड किया है कि हम शादी के बाद अलग रहेंगे, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये वॉइड है. ओके रीजनेबल एंड जस्ट कॉज, किन किन केसेस में हम कहेंगे कि एक रीजनेबल एंड जस्ट कॉज है विड्रॉल का. What is reasonable or just cause would be decided in the context of facts and circumstances of each case. ये depend करता है each case में, facts and circumstances of each case पे depend करता है कि क्या reasonable है, क्या just cause है. No straight jacket yardstick
कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर सर्टनली रीजनेबल और जस्ट ग्राउंड। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि ओके ये रीजनेबल कॉज है, ये जस्ट कॉज है। ओके, द रीजन फॉर विदड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी मस्ट बी ग्रेव एंड वेटी। जो रीजन है विदड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी का, स्पाउस के सोसाइटी से विदड्रॉल का, तो वो एक ग्रेव होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए। कोई भी ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए जो अनरीजनेबल सा है। ओके, अकॉर्डिंग टू जुडिशियल डिसीजन, जो डिसीजन लिए गए पास्ट में, सेवरल ग्राउंड्स हैव बीन हेल्ड टू बी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसको रीजनेबल कहा गया है, जैसे रिफ्यूजल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन विदाउट सफिशेंट कॉज। ओके, इम्प्यूटिंग अनचास्टी अपॉन वाइफ, ग्रेवली इनडेसेंट बिहेवियर, फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये सारे रीजन्स थे जिसे रीजनेबल एंड जस्ट कॉज कहा गया। एंड अगर इन सब रीजन्स की वजह से विड्रॉल होता है तो उस केस में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज हुआ था, क्योंकि इस ऐसे केसेस में रीजनेबल एक्सक्यूज एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजंस पे देखा है। ओके, तो बेसिकली ये पूरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर कॉलेज एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल आना 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे सवाल जरूर आएगा। तो ये था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगले क्लास में हम जुडिशियल सेपरेशन को देखेंगे। ओके, तो अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो एंड ये नोट्स बाय कर सकते हो आप। तब तक के लिए बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।